राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस जलेसर साथ नहीं जाने वाली जर्जर सड़क, जनता में भारी आक्रोश। हाथरस कैलोरा चौराहे के जलेसर रोड मार्ग बघराया पर लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। भाजपा मुर्दाबाद सांसद मुर्दाबाद एवं विधायक मुर्दाबाद के लोगों ने लगाए जमकर नारे। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र के जलेसर रोड पर लगभग 17 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में है। सड़क की दुर्दशा इतनी खराब है, साइकिल सवार भी गुजरने से परेशान हो जाते हैं, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों के लोगों ने सांसद और विधायक से की। लेकिन इस सड़क का निर्माण सालों से नहीं हो पा रहा है। इस सड़क पर लगभग 50 से 60 गांव आते हैं। हर रोज कम से कम हजारों वाहनों का आना जाना लगा रहता है। जलेसर सासनी अलीगढ़ जाते हैं। इस रोड की दुर्दशा खराब देखकर लोगों में भारी आक्रोश पनप रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भाजपा मुर्दाबाद सांसद मुर्दाबाद एवं विधायक मुर्दाबाद की जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को जल्द से जल्द निर्माण कार्य करना अति आवश्यक है, जिससे राह चलते लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखें संवाददाता अनिल चौधरी जनपद हाथरस से खास रिपोर्ट। कई बार इसकी सांसद विधायक से शिकायत हुई है। इसका प्रस्ताव पास हो गया था, पर लेकिन अभी तक कोई ये प्रस्ताव कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। कागज में होता है, सड़क पर कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। इसका कोई अमल नहीं हुआ है, कोई अमल नहीं हुआ। कितने समय से ये रोड खराब है? ये कम से कम 8-9 महीने हो गए इस रोड को इसी कंडीशन में चलते हुए। कई बार सांसद विधायक को भी आए और वो आते भी है यहाँ पे, सब भी आते हैं, अधिकारी देख के चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। जब जैसे अभी जैसे विधायक की ओर जो चुनाव हुए थे, इसमें क्या हुआ? उन्होंने वोट वगैरह, सांसद वगैरह आए थे वोट मांगने के लिए, क्या आश्वासन देगा आपको? जब आश्वासन दे रहे हैं सब, कर कोई नहीं रहा, कुछ भी कोई नहीं कर रहा। इस पर डीएम भी एसडीएम भी सभी आते हैं, कौन सा अधिकारी नहीं आता इस रोड पर? तो इस पर भारी नुकसान भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। क्या नाम है आपका? जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं यहाँ से बनारस। किसी रोड से जाते आते हो? किसी रोड से जाते आते हैं कभी उधर से सारा। ये पूरा जो रोड जो है कहाँ से कहाँ तक खराब चल? ये एटा जला का रोड केवल दिवाकर विधायक वहाँ तक सीमा सही है, बाकी की यहाँ और हाथरस जिले में ही खराब है। हाथरस जिले का पूरा रोड बरवाना से कैलोर चौराहा। तो जैसे कि अब आपका कितना नुकसान हुआ? ये टायर फट गया 22,000 का मेरा अभी। और ये हर साल मतलब हर जब रूट से जाते हो तो इसी रूट से जाना पड़ता होगा? इसी रूट से, या सासनी के फैक्ट्री एरिया में माल लेके आते तो इसी रूट से जाना पड़ता है। काफी गहरे गहरे गड्ढे हैं। गहरे तो वैसे आपकी मांग क्या है इसमें? हमारा तो चाहिए रोड बनने चाहिए सब यूपी में ना, हमने ऐसे रोड देखो तैसे चाहिए। काफी गहरे गहरे गड्ढे हुए बने हुए, हजारों किलोमीटर गाड़ी चला के ला रहे हैं। वैसे योगी जी तो ये कहते हैं गड्ढा मुक्त कराएंगे सड़कें, पर अभी तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुई। कहाँ कह रहे गड्ढा मुक्त? पी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।